स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें थीम पर सिंगरौली नगर निगम में 2024 का स्वच्छता पखवाड़ा संपन्न हुआ। इस आयोजन में जिसने भी सहभागिता की उन सभी का सम्मान भी किया गया। सिंगरौली नगर निगम द्वारा 5 से 16 जून तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया, जिसमें शहर के सभी 45 वार्ड शामिल रहे। इस पखवाड़े में लोगों को स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता पखवाड़े में सहभागिता करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सिंगरौली नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल के साथ 45 वार्डों के पार्षद भी शामिल रहे, जिसमें नगर निगम के सभी तालाबों को गहरीकरण के लिए जहां जहां जरूरत थी वहां का प्रस्ताव दिया गया है, उनको सौंदर्य के माध्यम से बनाया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि गर्मी का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जल के बचाव के लिए, क्योंकि जल ही आधार है, जल ही जीवन है, जल ही सब कुछ है और जल ही हमारा का, इसको लेकर सब आगे को बढ़ता रहेगा। ये हमारा 15 दिन का 10 दिन का कार्यक्रम नहीं था, ये 365 दिन कार्यक्रम चलेगा। और इसके आगे पेड़ पौधे का हम लोग पूरे जहाँ पर बाजार मार्केट है, पार्क है, कहाँ जहाँ जहाँ हैं विद्यालय हैं वहाँ वहाँ पौधों का भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आगे चलेगा। के अंतर्गत 2024 के जो सर्वेक्षण चल रहा है उसकी गतिविधियों के अंतर्गत शहर के जिन नागरिकों के द्वारा, जिन संस्थाओं के द्वारा, जिन बच्चों के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना सहयोग दिया जा रहा है, उन सबको आज नगर निगम के द्वारा सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम रखा गया। हम सब आभारी हैं उन सब नागरिकों के, उन सब प्रतिभागियों के जो इस नगर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दे रहे हैं। देखिए, यह बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है, इसलिए कि हमारे नगर निगम में बहुत सारे इस तरह से प्रतियोगिता करा करके लगभग हर वर्ष हम लोग यह कार्यक्रम रखते हैं कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार वितरित करते हैं कि लोगों में जागरूकता है, लोगों इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपने जो NGO कार्यालय हैं या प्रतिष्ठान है, सरकारी भवन हो चाहे प्राइवेट हो, विद्यालय हो, कोई भी ऐसे संस्थान है जो अपने आवासीय परिसर को, विद्यालय को, सभी मैंने जैसे ऐसे सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखे। बहुत हर्ष का विषय है कि पर्यावरण दिवस से, पर्यावरण दिवस को हमारे वार्ड से ही प्रारंभ हुआ था जो है, और सभी वार्डों में जो है सफाई अभियान चला और वृक्ष लगाने का भी कार्य किया, तालाब का सौंदर्यीकरण का भी काम चला और नगर निगम द्वारा कार्यक्रम सब बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।